हेलो एवरीवन। तो दिस इज़ पीयूष चौबे एंड इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ सिनोनिम, जो भी SSC CHSL 2024 का जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ था उसमें जितने भी सिनोनिम्स आए हैं उन सभी सिनोनिम्स का कंपाइलेशन इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। 90 सिनोनिम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ उसका एक ही वीडियो में पूरे सिनोनिम क्लियर हो जाएंगे। वोकेबलरी के लिए बूस्टर रहेगा, सभी एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है। चाहे आप CGL मेंस दे रहे हो, CHSL मेंस दे रहे हो, या इन सभी के प्री एग्जाम दे रहे हो, या और कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे आपको ये मिलेगा। ओके, चलिए एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको बता दूँ। ये हम लोगों का सॉफ्टवेयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हीं एग्जामों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, CGL और CHSL के लिए, तो टाइपिंग भी देखिए एक मैंडेटरी टेस्ट होता है जो मेंस के टाइम पे होता है, तो आपको अभी से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा हमारी साइट पर, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स दोनों में पिन मिल जाएगी। इसमें एक दिन का डेमो भी फ्री है, आप लोग अवेल कर लीजिएगा डेमो भी। और इसमें जितने भी पैसेजेस हैं वो सब प्रीवियस ईयर पैसेजेस है ना, उसको कंपाइल करके रखा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, चलिए बाकी अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका सिनोनिम ए से। देखिए सीक्वेंस वाइज मैंने अरेंज कर रखा है ए से लेके जेड तक। तो अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, फॉरसेक करना। तो टू लीव समवन स्पेशली समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट। तो आप कोई चीज़ को छोड़ दो, त्याग दो, है ना, छोड़ देना, त्याग देना, फॉरसेक कर देना, पूरी तरह से उसको त्याग देना, उसको हम बोलते हैं अबेंडन करना। बहुत ज़्यादा रेगुलर फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड है तो उसको याद रखिएगा। बाकी सेकेंड है अबलेज। अबलेज का मतलब क्या होता है, किसी को जलाना, जलाना नॉट फिजिकली बट उसको उत्तेजित करना हम बोल सकते हैं ना, बर्निंग फियर्सली ऑन फायर, किसी को भड़काना। हाँ, एक बहुत अच्छा शब्द है भड़काना, किसी को उल्टा सीधा उसको चढ़ाना कि यार किसी को उत्तेजित करना। तो अबलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अबलेज याद रख लीजिएगा। बर्निंग, बर्निंग माने जलाना ही होता है, बाकी तो वही है, किसी को जलाना, अबलेज करना। एडजेक्टिव है डेफिनेटली, है ना, फियर्सली बहुत एक शब्द है कि बहुत हार्ड इंटेंस जलाना उसको। ठीक है, तो अबलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रख लीजिएगा। बाकी एब्सकॉन्ड, अगेन एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फ्ली, फरार हो जाना, वर्ब है ये। लीव हरीडली एंड सीक्रेटली, फेल टू अपियर इन कोर्ट। आपको कोर्ट में अपियर होना, और आप कोर्ट में अपियर ना होके वहां से फरार हो जाओ, भाग जाओ, तो उसको हम बोलते हैं अबली होना, फरार हो जाना, एब्सकॉन्ड। ठीक है, एब्सकॉन्ड इज व्हाट, फ्ली, किसी जगह से आप फरार हो जा रहे हो, भाग जा रहे हो, तो एब्सकॉन्ड उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एब्सर्ड, एब्सर्ड माने होता बेतुका कोई चीज, इरेशनल होना, ये भी एडजेक्टिव है ना। वाइडली अनरीजनेबल, कोई चीज बेतुका होना, कोई सेंस ना बनना उस चीज का। ठीक है, अनफैशन्ड होना, एक बहुत अच्छा शब्द बोल सकते हो आप, अन रेगुलर होना, है ना, जो बहुत अनआइडेंटिफाई टाइप की चीजें हो जाएं अचानक, जो उस पर्टिकुलर जगह के लिए, जैसे आप किसी शादी में लोअर टी शर्ट पहन के चले जाओ, तो दैट इज व्हाट, दैट इज कि आप थोड़े से अजीब तरीके से आ गए हो, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट आप उस इवेंट के हिसाब से सेटल्ड नहीं हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्सर्ड होना, है ना, अजीब होना, इरेशनल होना। अनदर इज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इज वॉट, एग्री करना, किसी चीज़ से आप एग्री कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो कि यार ये यहाँ पर मेरी गलती है। ठीक है, तो टू कंसेंट टू रिसीव अ थिंग ऑफर्ड, है ना, आप कोई चीज़ जो आपको ऑफर करी जा रही है उसको कंसेंटली आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, ठीक है, स्वीकार कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो बहुत ईजी वर्ड एक्सेप्ट। तो खैर, एडवांस्ड, एडवांस्ड का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेसिव होना, ठीक है, वर्ब है ये भी। प्रोग्रेसिव इन विच टर्म्स, प्रोग्रेसिव यानी मूव फॉरवर्ड इन अ पर्पसफुल वे, ना, आप एक पर्पसफुल वे में आगे बढ़ रहे हो, एडवांस्ड हो रहे हो। जब हम लोग बोलते हैं, हम लोग IT में इंडिया एडवांस्ड बहुत है, तो एडवांस्ड बहुत है यानी इंडिया ने बहुत ज़्यादा चीज़ें अडॉप्ट कर रखी हैं IT में, इंडिया आगे बढ़ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडवांस। अफर्म, अफर्म का मतलब होता है किसी चीज़ को रिकन्फर्म करना, पुष्टि करना, ठीक है, स्टेट एज अ फैक्ट, असर्ट स्ट्रांगली, असर्ट स्ट्रांगली दैट मीन्स कि आप कोई चीज़ पुष्टि कर रहे हो, है ना, दोबारा उसको बोल रहे हो, कि जैसे हम लोग कई बार हमें पता होता है पर्टिकुलरली कि ये चीज़ हो गई है, बट हम फिर भी एक बार दोबारा बोलकर कंफर्म करते हैं कि हाँ सच में, क्या सच में आज ही की टिकट है, कि सच में आज ही मैच होने वाला, तो इस टाइप में नहीं हम पूछते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अफर्म करना, कंफर्म करना। ठीक है, अलर्ट, अलर्ट का मतलब क्या होता है, चेतावनी, विजिलेंट, है ना, सतर्क होना, चौकन्ना होना, क्विक टू नोटिस एनी अनयूजुअल और पोटेंशियली डेंजरस और डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। आप बहुत ज़्यादा सतर्क हो, विजिलेंट हो, कुछ भी गलत होता है, कुछ भी अननोन होता है, कुछ भी डिफरेंट होता है यूजुअल से,
तो आप एक्टिव हो, आप उस पर बात करते हो कि यार ये क्यों हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं विजिलेंट होना, आप सतर्क हो, आप अलर्ट हो, ठीक है। अलीविएट, अलीविएट का मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना, कम करना, वर्ब है, कम इन विच सेंस, कम इन फिजिकल वे भी, तो मेक सफरिंग डेफिशिएंसी और अ प्रॉब्लम लेस सीवियर, है ना, किसी को लेस सीवियर करना, किसी भी डेफिशिएंसी को भी या सफरिंग को भी, कोई भी परेशानी हो रही है किसी को, उस चीज़ को कम करना, है ना, मिटिगेट करना। तो अच्छा, ये फिजिकली तो है ही कि कम करना, बट इसको आप एज अ फिगरेटली भी ले सकते हो कि किसी को मनाना, है ना, कोई रूठ गया है तो उसको अलीविएट करना, उसको मनाना कि भाई क्यों, क्या दिक्कत हो गई, तो वैसे भी आप इसको बोल सकते हो। अमेजमेंट, अमेजमेंट का मतलब क्या होता है, एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट माना आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्य इन विच सेंस, पॉजिटिव वे, कि कोई चीज़ अच्छा, ग्रेट सरप्राइज, है ना, और वंडर, अचानक कोई आपको सरप्राइज मिल जाए, कोई वंडर मिल जाए, है ना, तो उसको हम बोलते हैं अमेजमेंट। या आपको एकदम से कोई सरप्राइज नहीं, हम लोग जो देते हैं बर्थडे वगैरह में कुछ, उसको हम बोलते हैं अमेजमेंट, आप आश्चर्य होगा, हैरान हो गए आप कि यार ये कैसे हो सकता, इन पॉजिटिव वे, ये भी याद रखना। एंटिक, एंटिक का मतलब होता है कोई चीज़ पुरानी चीज़, एंशियंट चीज़, एडजेक्टिव है डेफिनेटली ये भी, तो एंशियंट, है ना, बिलोंगिंग टू एंशियंट टाइम्स, ठीक है, वेरी ओल्ड, कलेक्टिवली ऑब्जेक्ट फ्रॉम पास्ट, तो कोई एंशियंट टाइम का ऑब्जेक्ट हो जो रखा हो, इसके लिए एक आर्कियोलॉजी, एक स्टडी होती है जो हम लोग पुराने टाइप के ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, उसको हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं, तो वो भी यहाँ पे आती है। तो एंटिक का मतलब क्या होता है, पुराना, एंशियंट। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रेस, परेशान, है ना, जैसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन की पिल्स भी लोग लेते हैं, तो दैट इज व्हाट, दैट इज कि आपको परेशानी हो रही है, यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे डिटेल में भी लिखा है कि अ फीलिंग ऑफ वरी, नर्वसनेस, है ना, और अनईज, अनईज यानी मुसीबत है आपको, अबाउट समथिंग विद एन अनसर्टेन आउटकम, की व्याकुलता, यू आर सफरिंग फ्रॉम एन टाइप ऑफ थॉट्स कि लाइफ में क्या होगा या क्या कैसे होगा, तो ये सब एंग्जाइटी हो रही है, आपको परेशानी हो रही है। एंग्जाइटी इज नथिंग बट अ अनरेस्ट सिचुएशन, है ना, यू आर अनरेस्टिंग फ्रॉम समथिंग जो होने वाला है, तो उससे आपको अनरेस्ट है, यू आर नॉट बीइंग कंफर्टेबल विद इट, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंग्जाइटी। एंग्जाइटी इज वेरी कॉमन वर्ड और आपने यूज भी फ्रिक्वेंटली करा होगा। अपेल्ड, अपेल्ड का मतलब होता है डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग, अपेल्ड माने आपको कोई चीज़ हैजार्ड लग रही है, कोई चीज़ नॉट प्लीजेंट लग रही है टू योर आइज, है ना, आपको अच्छा नहीं लग रहा उसको देख कर, है ना, तो ग्रेटली डिसमेड और हॉरीफाइड, हॉरीफाइड माने क्या, भयानक, स्तब्ध हो गए आप देख के, तो नेगेटिवली स्तब्ध, इसको आप ऐसे नहीं लोगे कि बहुत आश्चर्य हो गया कि यार ये कैसे हो गया, नहीं, नेगेटिवली वो आपको अच्छी नहीं लग रही थी, नेगेटिवली आपको इम्पैक्ट कर रही थी, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट डिसमेड और हॉरीफाइड, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। चलिए, अनदर वर्ड इज फोर्टीन, फोर्टीन क्या कह रहा है, एसेंड, एसेंड इज वॉट, क्लाइंब, ऊपर चढ़ना, है ना, जैसे एस जो है बेसिकली ये रूट वर्ड है, एस क्या, रूट वर्ड है, इसका मतलब ही होता है कि ऊपर चढ़ना, ठीक है, और डिस, डिस माने होता है नीचे आना, तो वो नीचे के लिए गो अप, है ना, ऊपर जाना, और क्लाइंब चढ़ना, ठीक है, तो ऊपर उठना, यही हो जाएगा इसका, तो एसेंड माने क्लाइंब, ऊपर चढ़ना, पहाड़ के ऊपर चढ़ना, सीढ़ी के ऊपर चढ़ना, कुछ भी हो सकता। अज्यूम, अज्यूम का मतलब क्या होता है, थिंक, मानना, है ना, टू टेक ऑन रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू सपोज, लेट अस सपोज, नहीं हम लोग बोलते हैं अज्यूम कर लीजिए, है ना, कि आप राजा हो, लेट अस अज्यूम, तो उसको हम बोलते हैं मान लेना, मान यानी अनुमान लगाना, तब मान लो कि यार ये चीज हो रही है मेरे साथ, तो अज्यूम इज समथिंग जो होना नहीं है या हो नहीं सकता, बट आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मान रहे हो, उसको हम बोलते हैं अज्यूम, है ना, कोई चीज आप मान रहे हो, मानने के लिए। अटायर, अटायर का मतलब होता है ड्रेस, आप क्या पहन रहे हो, कपड़े, ये नाउन के रूप में भी और वर्ब दोनों के रूप में यूज होता है, क्लॉथिंग, है ना, टू ड्रेस और अटायर बनसेल, वस्त्र पहनावा, ये सब हिंदी में इनके बारे, हिंदी में थोड़ा सा कम पढ़ूंगा क्योंकि मेनली आपको इंग्लिश में ही कन्फ्यूजन होती है, तो इंग्लिश ही मैं बताऊंगा, बाकी ये हिंदी भी है, आप देखते चलिएगा। अटायर का मतलब फिर मैं बोल देता हूँ ड्रेस, ठीक है, आपके जो कपड़े पहनते हो, जैसे एक फ्रेज आपने मल्टीपल टाइम सुनी होगी कि दिस अटायर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर प्रीवियस वन, तो इस पर्टिकुलर टाइप की फ्रेजेस में आप लोग अटायर शब्द को सुनते हो। ऑस्ट्री, ऑस्ट्री माने क्या होता है, स्टर्न, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कठोर होना, है ना, ऑस्ट्रे, ऑस्ट्रे, अच्छा इसको रिवाइज याद करने की एक ट्रिक बता दूँ, तो ऑस्ट्रेलियन से याद रख लो, ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है बहुत ज़्यादा कठोर है, इंडिया को फाइनल में हरा दिया तो हमें प्रॉब्लम हो गई, है ना, हम लोग परेशान हो गए, तो ऐसे याद रख लो कि कठोर है, तो ऑस्ट्रे से ऑस्ट्रेलियन टीम कठोर है, ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हो आप।
सीवियर और स्ट्रिक्ट इन अ मैनर, एटीट्यूड और अपीयरेंस में भी हो सकती है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपीयरेंस में भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आपको कठोर लग रही है ना, सादा और सख्त, तो ऑस्ट्रिया याद हो जाएगा आपको, ऑस्ट्रेलिया से याद रख लेना, सख्त होना। बेफल, बेफल मतलब क्या होता है, कन्फ्यूज होना, आश्चर्यचकित होना, ठीक है। टू बी ब्लेंडर और परप्लेक्स संबंध है ना, किसी को परप्लेक्स करना, आश्चर्यचकित करना, बी ब्लेंडर करना, तो ये इंपॉर्टेंट है। बेफल माने क्या होता, कंफ्यूज करना, तो किसी को आप कंफ्यूज कर रहे हो, दैट मींस कि आप उसको आश्चर्यचकित कर रहे हो, यार उसको उसको भी नहीं समझ में आ रहा, आपको तो आ ही नहीं रहा कि यार ये क्या चीज होगी। तो कंफ्यूज इज व्हाट, कंफ्यूज इज बेफल, तो ये अच्छा शब्द है, नया शब्द आया हुआ शब्द, उसको याद रखिए। ब्लिस, ब्लिस का मतलब क्या होता है, प्लेजर, परफेक्ट हैप्पीनेस, आनंद, इजी शब्द है, तो इसलिए मैंने जल्दी करा दिया। प्लेजर, प्लेजर, और या बोल सकते हो आप इंजॉय, ठीक है, या आप बोल सकते हो आप खुशी, है ना, हैप्पीनेस, वो भी बोल सकते हो। तो ब्लिस इज समथिंग दैट प्लेजर, दैट गिव्स यू प्लेजर, दैट गिव्स यू हैप्पीनेस, है ना, दैट गिव्स यू पॉजिटिव वाइब इन समथिंग, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लिस, परफेक्ट हैप्पीनेस, ठीक है, तो उसको ब्लिस, आनंद बोल देंगे। अनदर ब्रेव, ब्रेव का मतलब फियरलेस, है ना, एंड्यूरिंग और फेस अनप्लीजेंट कंडीशन, डेयर टू डू, है ना, समथिंग रेडी टू फेस डेंजर, आप डेंजर फेस करने के लिए रेडी हो, तो उसको आप लोग बोलते हो बहादुर हो, है ना, फियरलेस हो, आपको डर नहीं लग रहा किसी चीज का, ठीक है। कैलकुलेटिंग या मैनुपुलेटिव, तो कैलकुलेटिंग का सिनोनिम होगा मैनुपुलेटिव। मैनुपुलेटिव इज बेसिकली कि आप किसी को अपने टाइप से सोचने को मजबूर कर रहे हो, यू आर गिविंग सम काइंड ऑफ फैक्ट्स, और उसको इस तरीके से दे रहे हो कि आपके जो थॉट्स हैं, आप जिस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हो, सामने वाले को भी आप वो सोचने पर मजबूर कर रहे हो, और ना केवल सोचने में मजबूर कर रहे हो, आप उसको कन्विंस भी कर रहे हो कि मेरी आइडियोलॉजी सुपीरियर, आप यहाँ पे आओ। तो इस पर्टिकुलर अगर आपके अंदर स्किल है, तो उसको आप लोग बोलोगे मैनुपुलेशन, एक्टिंग इन अ स्कीमिंग एंड मैनुपुलेटिव वे, है ना, तो वो बोलते हैं हम चालाक, कुटिल, तो मैनुपुलेशन, एक्ट ऑफ मैनुपुलेशन भी एक फ्रेज होती है, तो वहां से याद रख लीजिएगा। कैलकुलेटिंग इज व्हाट, कैलकुलेटिंग इज मैनुपुलेटिंग, आप चालाक हो, एक्टिव हो, आप अपनी तरफ से लोगों को मना रहे हो। कैलॉस, कैलॉस का मतलब होता है क्रूअल, एडजेक्टिव है डेफिनेटली, सोइंग और हैविंग एन इनसेंसिटिव एंड क्रूअल डिसरेगार्ड, आपका जो इनसेंसिटिव हो आप, है ना, क्रूअल हो, डिसरेगार्ड यानी आप बेसिकली दयावान नहीं हो, है ना, आपके अंदर जो सिविक सेंस है वो बिल्कुल नहीं है, संवेदनहीन हो, आपके अंदर जो ह्यूमैनिटी है वो भी खत्म है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैलॉस, सख्त बिल्कुल, और सख्त नेगेटिव टर्म में सख्त, है ना। चलिए अनदर इज काम, काम का मतलब होता है प्लेकेट, शांत होना, है ना, पीसफुल और अनडिस्टर्ब्ड, फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रोम और डिस्टर्बेंस, ट्रेंकुलिटी, ट्रेंकुलिटी माने होता है शांत होना, है ना, तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा शांत है, पीसफुल है, अनडिस्टर्ब्ड है और कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेकेट, काम इसका सिनोनिम होता है, ठीक है। कैंडिड, कैंडिड माने क्या होता है, ऑनेस्ट, सच्चा, ट्रुथफुल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई चीज़ सच्चा है, कोई चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ट्रुथफुल है, तो उसको हम बोलते हैं निष्कपट, स्पष्ट होना, है ना, निष्कपट इज व्हाट, स्पष्ट होना, ट्रुथफुल होना। चेंज, चेंज का मतलब क्या होता, बदलना, अल्टर, ALTER, अच्छा यहाँ पर अगर ई की जगह ए होता तो वो अल्टर दूसरा हो जाता, उसका मतलब होता वेदी, जो रिलीजियस एक वो होता है स्कल्पचर, रिलीजियस जो आर्किटेक्चर होता है उसको हम लोग बोलते वेदी, तो वो ALTER में बन जाता है ना, जबकि ये ALTER, ये होता है टू मेक और बिकम डिफरेंट, बदलाव, चेंज करना, ये वाला अल्टर होता है, CHANGE बराबर अल्टर, ALTER, इसका मतलब होता है चेंज, जबकि एक जो ALTAR वाला अल्टर होता है, ALTAR वाला ए होता है वहाँ पे, उसका मतलब होता है वेदी, कोई भी आर्किटेक्चर जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है उसके भगवान को, तो वो वहाँ पे वो वाला अल्टर आता है, क्लियर। अनदर चार्मिंग, चार्मिंग का मतलब क्या होता है, डिलाइटफुल, है ना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर है, आंखों को लुभावनी है ना, प्लीजेंट है और अट्रैक्टिव है, डेफिनेटली मनमोहक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चार्मिंग, ब्यूटीफुल भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा, ब्यूटीफुल है कोई चीज़, डिलीजेंट है, ठीक है, डिलाइटफुल है, डिलीजेंट तो नहीं होगा, डिलाइटफुल है ना, और प्लीजेंट है, प्लीजेंट भी हो जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे, प्लीजेंट और अट्रैक्टिव, है ना, ये सब सिनोनिम हो जाएंगे चार्मिंग के। कैस्ट, कैस्ट का मतलब क्या होता है, प्योर, ठीक है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नॉट हैविंग एनी सेक्सुअल नेचर और इंटेंशन, तो यहाँ प्योर इज नॉट अबाउट फिजिकल वे, कि कोई दूध प्योर है, कोई वाटर प्योर है, वैसे नहीं, प्योर इन टर्म्स ऑफ योर बिहेवियर, योर एटीट्यूड,
आपके अंदर कोई भी सेक्सुअल नेचर नहीं है, इंटेंशन नहीं है, गलत इंटेंशन नहीं है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज चेस्ट, आप प्योर हो, ठीक है। क्लेमोर, क्लेमोर का मतलब होता है लाउड और कन्फ्यूज नॉइज, है ना। लाउड माने तेज तो है ही और साथ ही साथ कन्फ्यूज भी, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वट इज एक्चुअली प्रोनाउंस्ड, है ना। तो वो उसको हम लोग बोलते हैं क्लेमोर, अ लाउड अपील और डिमांड, कोलाहल, है ना। तो इसको हम लोग बोलते नहीं है नॉइस, है ना, नॉइस एक वर्ड फ्रीज यूज करते थे हम यार, मेक अ नॉइस, है ना। तो नॉइस तो है ही और वो ऐसी नॉइस है कि आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो एक्चुअली में, तो उसको हम बोलते हैं क्लेमोर, बिल्कुल कोलाहल मचाया, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वट इज एक्चुअली प्रोनाउंस्ड और समथिंग, तो उसको हम लोग बोलते क्रम। और अच्छा शब्द है क्लेवर, क्लेवर का तो सबको पता होगा, इंटेलिजेंट, बहुत फ्रिक्वेंटली यूजिंग वर्ड है, तो उस पर ज़्यादा समय नहीं देंगे। क्विक टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, शोइंग इंटेलिजेंस, ना आप चतुर हो, बुद्धिमान हो, कोई चीज़ बहुत जल्दी सीख ले रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लेवर, है ना। क्विक टू लर्न और इंटेलिजेंट काइंड ऑफ थिंग, तो वो हो जाएगा क्लेवर, ठीक है। अनदर इज कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, क्वालिफाइड होना, है ना, एडजेक्टिव है, और यहीं से शब्द बनता है आपका कॉम्पिटिशन, एग्जाम्स के आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो कॉम्पिटिशन एग्जाम, यहीं से शब्द बनता है कॉम्पिटेंसी, जो एबिलिटी टू फाइट इन अ कॉम्पिटिशन, तो शब्द यहीं से शब्द बनते हैं बेसिकली, एक शब्द ही से मल्टीपल शब्द का ओरिजिन होता है। रूट वर्ड मेथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। तो कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, क्वालिफाइड होना, है ना, हैविंग द नेसेसिटी एबिलिटी नॉलेज और स्किल टू डू समथिंग सक्सेसफुली, है ना, कुछ सक्षम होना, आप एबल हो, कोई चीज़ आप सक्सेसफुली कर पा रहे हो, ये आपके अंदर एबिलिटी है, उसको हम लोग बोलते हैं कम्पिटेंट एबिलिटी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट शब्द है, उसको रिमाइंड करिएगा। बाकी कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है सीक्रेट, है ना, इंटेंडेड टू कैप्ट सीक्रेट और गोपनीय। यहाँ पे आपने फ्रेज सुनी होगी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जो हम लोगों का पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब कॉन्फिडेंशियल होते हैं, जो आज अभी तो खैर पब्लिक हो गए, बट पहले जो हियरिंग्स होती थी कोर्ट की, वो भी कॉन्फिडेंशियल होती थी, उनको बाहर लीक नहीं करा जाता था। तो यहीं से शब्द बनता है कॉन्फिडेंशियलिटी, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं गोपनीयता, द प्रोसेस टू हाइड थिंग्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज। इंडियन आर्मी की जो चीज़ें होती हैं कॉन्फिडेंशियल होती हैं, आपको नहीं पता चलेगा कुछ भी क्या हो रहा है। यू आर नॉट बेसिकली सपोज टू डू RTI एज वेल, आप वहाँ पे RTI भी यूज़ करके नहीं चीज़ें निकाल सकते हो, तो वो बेसिकली है ही कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। तो ये अच्छा शब्द है। 32वां कॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस का मतलब क्या होता है, नोटिसेबल, स्टैंडिंग आउट एज टू बी क्लियरली विजिबल, तो सुस्पष्ट होना, ठीक है। तो कॉन्स्पिकुअस का मतलब स्पष्ट होना, यू आर एबल टू सी क्लियरली और अंडरस्टैंड क्लियरली, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्पिकुअस होना, नोटिसेबल होना, ठीक है। तो नोटिसेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्पिकुअस, क्योंकि कॉन्स्पिकुअस अगर एग्जाम में आएगा तो नहीं समझ पाओगे आप, नोटिसेबल तो फिर भी ईजी है टू तो अंडरस्टैंड है, बट कॉन्स्पिक्यूअस अच्छा शब्द है, इसको याद रख लीजिएगा, नोटिसेबल। क्रक्स, क्रक्स का मतलब क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट, है ना, द डिसीसिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एट इशू, तो किसी भी पॉइंट इशू का एक डिसीसिव पॉइंट, है ना, जहाँ से आप डिसीजन ले सको, सार बेसिकली हम बोल सकते हैं, किसको सार बोल सकते हैं, है ना, तो इंपॉर्टेंट है सार, ठीक है। तो क्रक्स हम लोग स्टेटमेंट भी बोलते रहते हैं ना, कि एक बहुत बड़ा RC है, जब RC भी हम लोग डिस्कस करते हैं कराते हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं कि इस इतने बड़े RC को आप इसका क्रक्स बताइए, है ना, मेन मतलब वो पॉइंट बताइए जिसका ये पूरा RC जिसके अराउंड घूम रहा है, तो वो हम लोग बोलते हैं, तो वो क्रक्स ही होता है। कस्टम, कस्टम का मतलब क्या होता है, हैबिट, ठीक है, ट्रेडिशन और हैबिट टू प्रैक्टिस फॉलोड, जो लगातार हैबिट और ट्रेडिशन काफ़ी समय से फॉलो होता चला आ रहा है किसी एक सोसाइटी में, तो वो कस्टम बन जाता है बेसिकली, रीति रिवाज बन जाता है, जैसे शादी वगैरह करते समय कई रीति रिवाज होते हैं कि ये प्रोसेस होगी, फिर हल्दी होगा, फिर ये होगा, तो वो सब क्या है, कस्टम्स तो है, बन गए, है ना, अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग कम्युनिटी में भी, अगर आप थोड़ा जो ट्राइबल ग्रुप है वहाँ पे जाओगे, तो वहाँ पे अलग कल्चर है, वहाँ पे अलग कस्टम है, तो वो बेसिकली कस्टम होता है। डेंजर, डेंजर का मतलब तो पता है, हैजार्ड, मुसीबत, नाउन है द पॉसिबिलिटी ऑफ सफरिंग हार्म और इंजरी, है ना, खतरा, तो खतरा इज समथिंग जो डेंजर है ना, तो यू आर इन डेंजर, हैजार्ड अच्छा शब्द है, डेंजर तो फिर भी फ्रिक्वेंटली सुनने वाला शब्द है, बट हैजार्ड ऐसा शब्द है जो शायद आपने नहीं सुना होगा कई बार, तो इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। डेडिकेटेड, कमिटेड, है ना, डिवेटेड टू टास्क और कमिटेड, समर्पित, प्रतिबद्ध, तो डेडिकेटेड इज बेसिकली आपने सुना होगा कि अगर आप जब तक डेडिकेटेड नहीं हो अपने ड्रीम्स के लिए, है ना, ही इज वेरी डेडिकेटेड, माने आप पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो, यू आर डूइंग समथिंग होल हार्टली टू गेट योर ड्रीम्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेडिकेटेड। कमिटेड इज, आई डिडेंट से कि एक्चुअली डायरेक्टली इसका सिनोनिमस वर्ड है, कमिटेड इज समथिंग जैसे हम लोग बोलते हैं फ्रेज लगातार कि हम
कमिटेड इन रिलेशनशिप, तो कमिटेड मैंने बोल रखा है कि भाई यहाँ पे होगा जो शादी वगैरह, तो उसको कमिटेड बोलते हैं। तो डेडिकेटेड को डायरेक्टली नहीं, बट हाँ कई कुछ टर्म्स में डेडिकेटेड इज बेसिकली सिनोनिमस वर्ड ऑफ कमिटेड, ठीक है। डिजायर, डिजायर का मतलब होता है लॉन्गिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग और वॉन्टिंग विथ सेक्सुअल अपीट, इच्छा। डिजायर माने आपकी इच्छा, है ना। लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज होता है ये। डिजायर माने इच्छा, आपकी विश, विश भी एक शब्द यहाँ पे यूज हो जाएगा, है ना। डिजायर इज समथिंग विश, तो विश का भी मतलब क्या होता है, आपकी इच्छा। लॉन्गिंग का भी मतलब आपकी इच्छा। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वॉन्टिंग, वॉन्टिंग वॉट, विश भी हो सकती है, सेक्सुअल अपीट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं डिजायर, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है। डिसरे, डिसरे का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डरली सिचुएशन, है ना। अस्त व्यस्त, नाउन और वर्ब दोनों के रूप में यूज होता है। अस्त व्यस्त इन द सेंस अरेंज नहीं होना अच्छे तरीके से, गलत तरीके से अरेंज होना, है ना, अव्यवस्थित। रूम वगैरह, बैचलर्स के रूम में जाओ तो वहाँ चीज़ें अरेंज नहीं होती उतने अच्छे तरीके से, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसऑर्डर। डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन, टू थ्रो इन टू डिसऑर्डर, अव्यवस्था, है ना, गड़बड़ाहट, अव्यवस्थित, तो यही होता है डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर क्लियर है। डिसअरे इज बेसिकली डिसऑर्डर, है ना, डिसऑर्डरली सिचुएशन। डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन, टू थ्रो इन टू एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। तो डिसअरे बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस माने अस्त व्यस्त, अरे माने फैलाना, ऐसे भी याद रख सकते हो उसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड चलिए। 40 मतलब इको, इको का मतलब रिवर्बरेट। इको, देखिए इको आपने ये शब्द कई बार सुना होगा, इको जो आपने सुना होगा कि इको वॉइस में बहुत तेज इको है गाने गाते समय, तो इको मतलब रिपीटेशन ऑफ वॉइस, है ना। जब आप कुछ भी चीज़ बोलते हो तो उसमें रिपीटेशन जो होता है, प्रतिध्वनि होती है ना, प्रतिध्वनि जो होती है उसको हम बोलते हैं इको। टू रिपीट, रिफ्लेक्ट अ साउंड और आइडिया, टू हैव सिमिलर इफेक्ट, ठीक है, टू हैव सिमिलर इफेक्ट और ओपिनियन, ठीक है। तो बेसिकली रिवर्बरेट होना वर्ब है, माने आपकी वॉइस रिफ्लेक्ट होके वापस आना, तो उसको हम बोलते हैं इको टाइप सिचुएशन, ठीक है। एपोक, एपोक का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट पीरियड, नाउन, तो इंपॉर्टेंट पीरियड, है ना, पीरियड ऑफ टाइम दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, इतिहास का विशिष्ट युग। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत वाला पीरियड है, मुगल पीरियड है, या जो राजपूत वाला पीरियड है, तो दीज आर कंसर्न वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ईपोक, है ना। हिस्ट्री में अगर उन पीरियडों को एक शब्द में बोल रहा हूँ तो वी विल टेल हिम, वी विल कॉल हिम ईपोक, ठीक है, इंपॉर्टेंट पीरियड, है ना, द पीरियड ऑफ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस, उसको हम लोग बोलते हैं ईपोक। तो इंपॉर्टेंट अच्छा शब्द है, नया शब्द है, यूजली यूज नहीं होता तो दिक्कत करता है। इरूडाइट भी अच्छा शब्द है, इरूडाइट का मतलब होता है एजुकेटेड होना, एडजेक्टिव है, हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग, ठीक है, विद्वान होना। यहाँ पे एक और शब्द आता है प्रोडिजी, आप लोगों ने कई बार अगर आप लगातार अखबार पढ़ते हो तो वहाँ पे शब्द सुना होगा प्रोडिजी। तो प्रोडिजी समथिंग अ चाइल्ड दैट इज नॉट दैट इज वेरी यंग, और उसके अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वो कम्पिटिट कर पा रहा है अपने से ज़्यादा एज के लोगों से इन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडिजी। और वही शब्द है एरुडेट का, और वही मतलब है एजुकेटेड का। तो बेसिकली दीज आर सिनोनिमस वर्ड, ठीक है। तो एरुडाइट आई होप क्लियर हो गया, एजुकेटेड भी सिनोनिमस वर्ड है, प्रोडिजी इसका सिनोनिमस वर्ड है, ठीक है। एस्टीमेट का मतलब क्या होता है, एवेल्युएट करना, अंदाजा लगाना, रफ गेस करना, है ना, रफ कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेटली प्राइस, जज टेंटेटिवली, है ना। जैसे आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ते होगे कभी एसएससी का आता है तो वहाँ पे लिखा होता है टेंटेटिव वैकेंसी, तो टेंटेटिव वैकेंसी का ही मतलब होता है कि अभी कोई परफेक्ट नहीं है, इनमें चेंजेस हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकते हैं। सिमिलरली एस्टिमेशन इज व्हाट, एस्टिमेट इज अनुमान लगाना, एक रफ एवेल्युएट करना, है ना, रफ, यहाँ पे भी लिखा, देखिए रफ कैलकुलेशन, ऊपर ऊपर से आइडिया लगा के बताना कि यार, जैसे हम लोग बोलते हैं घर, मान लीजिए हम गए किसी घर बनाने, हमने एक इंजीनियर को दिखाया कि अब बताइए सर ऐसे ऐसे हमें घर बनवाना है, रफली कितना खर्चा आ गया, वैल्यूएट करके बताइए, तो वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू बताता है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज एस्टिमेशन, ठीक है। इवेसिव, इवेसिव का मतलब होता है एम्बिगुअस, एस्केप, अवॉइड, स्पेशली क्लियरनेस, थिकनेस, इक्विवोकल होना, इक्विवोकल बहुत अच्छा शब्द है। वोकल, देखिए यहाँ पे वोक जो है वो रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है बोलना, इक्वी माने बरा दोनों साइड, तो आप दोनों साइड बोल रहे हैं इन द सेंस कि अगर कोई लड़ाई हुई है कि नहीं दो लोगों के बीच, और आपको अपना जजमेंट रखना, आप ये बोल रहे हैं यार ये बंदा भी सही है और ये बंदा भी सही, तो वहाँ पर बेसिकली यू आर गिविंग एम्बिगुअस स्टेटमेंट। देखिए एम्बी ये अभी आ गया, एम्बी माने दोनों साइड, एम्बी रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है दोनों साइड बोलना, तो एम्बिगुअस स्टेटमेंट दे रहे हो आप, दोनों साइड बोल रहे हो, यानी आप इक्विवोकल हो, आप गलत बोल रहे हो, और इसी का मतलब होता है इवेसिव। इवेसिव का भी मतलब यही होता है कि आप क्लियर बोलने से बच रहे हो, घुमा फिरा के बातें बोल रहे हो, लोगों को एक्चुअली
कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा है कि आप किसके साइड बोल रहे हो ना, तो वो बेसिकली होता है इवेसिव, ठीक है। अनदर इज एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड का मतलब होता है सीजनड, है ना, हैविंग नॉलेज और स्किल गेन्ड फ्रॉम प्रैक्टिस और फेमिलियरिटी, अनुभवी होना, अनुभवशील होना। तो यानी बोलते हमने बाल नहीं धूप में सफ़ेद करे ऐसे स्टेटमेंट, उसका मतलब ही यही होता है कि भाई ऐसे ही नहीं धूप में सफ़ेद करे, एक्सपीरियंसड है। हम सीजन भी ऐसे बहुत आसान से उसको याद कर सकते हैं, एक्सपी सीजन, यानी देखो सीजन क्या होता है, विंटर समर और मानसून, ये सब सीजन होते हैं। तो किसी व्यक्ति ने बहुत सारे सीजन देख रखे, यानी उसकी एज बहुत ज़्यादा, उसने बहुत एक्सपीरियंस ले रखा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीजन बोलते हैं, ही तो बोलते हैं, तो एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, सीजन। फास्टन, फास्टन का बोल्ट ना, क्लोज और ज्वाइन सिक्योरिटली, सिक्योरली बांधना, ठीक है। तो अब ऐसे याद रख लो ना, बोल्ट, हुसैन बोल्ट का नाम हमने सुना होगा, ओलंपिक में एक टाइम पे बहुत तेज भागा था, गोल्ड मेडल जीता था, जीता था नहीं जीता था, हुसैन बोल्ट जो है वो तेज भागता है, तो फास्टन उसका सिनोनिमस वर्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तेज भाग रहा है भाई बंदा, तो फास्टन उसका सिनोनिमस वर्ड होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। अनदर इज फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिव। अच्छा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बैरन, फर्टाइल का जो एंटोनिम हो जाएगा बैरन हो जाएगा, जबकि इसका सिनोनिम क्या बन रहा है, प्रोडक्टिव, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, डेफिनेटली एडजेक्टिव है। कैपेबल ऑफ बिकमिंग प्रेगनेंट, प्रेगनेंट, ठीक है, और ऑफ प्रोड्यूसिंग मैनी आइडियाज, है ना। अच्छा, यहाँ पे प्रेगनेंट नॉट डजेंट मीन कि फिजिकल वे में प्रेगनेंट, कि कोई जो आपकी लेडीज वगैरह या कोई जो फिजिकल प्रेगनेंट, वो नहीं, इसका मतलब है आपकी लैंड प्रेगनेंट, यानी वो आपको जो खेती होती है उस सबको प्रेगनेंट, की अब उपजाऊ है ना, यहाँ से खेती होने वाली है, तो प्रोडक्टिव इज डेफिनेटली सिनोनिम ऑफ फर्टाइल, ठीक है। फ्रीवॉलिटी, फ्रीवॉलिटी का मतलब होता है इनसिग्निफिकेशन, लैक ऑफ सीरियसनेस, ठीक है, तुच्छ था। ट्रिवियल, एक बहुत अच्छा शब्द यहाँ से आता है, ट्रिवियल, ट्रिवियल मल्टीपल टाइम कराया हुआ शब्द, यहाँ पे भी आगे मिलेगा, तो ट्रिवियल इंपॉर्टेंट है। फ्रीवॉलिटी, फ्रीवॉलिटी का मतलब क्या होता है, इनसिग्निफिकेशन, इनसिग्निफाई, सॉरी, इनसिग्निफिकेशन प्रोसेस हो जाएगी, इनसिग्निफिकेंस। तो इनसिग्निफिकेंस देखो, सिग्निफिकेंस माने होता है इंपॉर्टेंस होना, है ना, कोई भी चीज़ जो आपके इंपॉर्टेंट है, आपके लिए यूजफुल है, तो उसको हम बोलते हैं सिग्निफाई। इनसिग्निफाई मतलब जो यूजफुल नहीं है, यू आर नॉट एबल टू गेट प्रॉफिट फ्रॉम इट। और फ्री वॉलिटी का भी मतलब वही होता है, लैक ऑफ सीरियसनेस, आपके अंदर सीरियसनेस नहीं है, लाइट हर्ट हो आप, सिलीनेस हो, है ना, कोई भी काम बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हो, तो उसको लो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनसिग्निफाई होना, ठीक है। तो तुच्छ होना हिंदी में इसके लिए बिल्कुल डायरेक्ट वर्ड है, तुच्छ होना, ठीक है, क्लियर है ना। अनदर इज जनरस, एक सेकंड, जनरस, ठीक है, जनरस माने क्या होता है, काइंड, एडजेक्टिव है, ठीक है, इसका मतलब शोइंग आर रेडीनेस टू गिव समथिंग स्पेशली, तो आप तत्परता दिखा रहे हो किसी को कोई चीज देने में, है ना, शोइंग आर रेडीनेस टू गिव समवन, है ना, टू गिव समवन, है ना, किसी को कोई चीज देने में आप बहुत तत्पर हो, आप बहुत रेडी हो, तो उसको हम बोलते हैं रेडीनेस, तो उसका मतलब होता है काइंड, आप बहुत काइंड हो, यू आर वेरी जनरस, आप बहुत दयालु हो, आप किसी का बुरा नहीं देख पाते, कोई व्यक्ति अगर सफर कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर दुख में है, कोई व्यक्ति अगर एगोनी में है, तो यू आर नॉट एबल टू सी हिम, है ना, आप उसकी मदद करते हो, सो आप तुरंत रेडीनेस हो, आप तत्पर हो उसको कुछ देने में, उसकी मदद करने में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड, गास्टली, गास्टली का मतलब होता है हॉरिबल, है ना, गास्टली का क्या मतलब होता है भाई, हॉरिबल, गास्टली का मतलब फ्राइटफुल और हॉरिबल, जो अत्यंत अप्रिय होगा उसको हम लोग बोलते हैं गास्टली, ठीक है। होमिलीज, सेरमोन्स, तो अभी ये देख लीजिए और थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। गास्टली, गास्टली का मतलब ऐसे समझ सकते हो, घोस्ट से समझ सकते हो, गास्ट और घोस्ट, घोस्ट क्या होता है, भूत, तो गास्टली मतलब क्या हो जाएगा, कोई भूतिया चीज, हॉरिबल चीज, फ्राइटफुल और हॉरिफिल, अत्यंत अप्रिय या हानिकर, ना, जो आपको लॉस पहुंचा रही हो, तो घास्टली इज वेरी इंपॉर्टेंट, नया शब्द है, आया हुआ ज्यादा शब्द नहीं। होमलीज, होमलीज का मतलब क्या होता है, उपदेश, सेरमोन्स, है ना, जो ऋषि मुनि वगैरह था उपदेश दिया करते, तो उनको शॉर्ट मोरल लेसन और सेरमोन्स स्पेशली फ्रॉम रिलीजियस टेक्स्ट, है ना, जो शिक्षा उपदेश धार्मिक ये सब जो आता था रिलीजियस टेक्स्ट, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, होमिलीज, है ना। तो सेरमोन्स, सेरमोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाउन है, का मतलब होता है उपदेश देना, धार्मिक उपदेश भी बोल सकते हो आप, किसी टाइप के उपदेश भी बोल सकते हो, तो वो हो जाए। हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डिसीट, आप पाखंड दिखा रहे हो। हिपोक्रेसी के लिए एक बहुत अच्छा अलंकार यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयरनी, है ना, कि आप पॉजिटिव साइड भी बोलो नेगेटिव साइड भी बोलो, यानी एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि एनिमल प्रोटेक्शन करो, एनिमल को बचाओ, दूसरी तरफ आप मांस खा रहे हो, तो दैट इज व्हाट, दैट इज हिपोक्रेसी, है ना, उसी को आयरनी अलंकार भी बोलते थे, हिपोक्रेसी पाखंड था ना। अब यहाँ पे बहुत डिटेल में दिया हुआ है, इसको समझते हैं।
सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग यू आर नॉट स्पेशली रिगार्डिंग बिलीव्स और वर्च्यू, आप प्रिटेंड कर रहे हो वो बनने का जो आप हो ही नहीं, स्पेशली रिगार्डिंग बिलीव्स, यानी जो आपके बिलीफ है और वर्च्यू जो गुण है, यू आर नॉट वेरी गुड, बट आप सामने दिखाने के लिए बन रहे हो कि भाई सत्यवादी हरिश्चंद्र बोलने वाला। तो इस प्रकार के आदमी को बोलते हैं पाखंड, हिपोक्रेटिक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट शब्द है, अच्छा शब्द है। इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट का मतलब क्या होता है, अक्यूज करना, है ना, किसी को, टू सो दैट समवन इज इन्वॉल्व इन अ क्राइम और फॉल्ट, फंसाना किसी को, दोषी ठहराना, नॉट एक्चुअली फंसाना बट उसको दोषी ठहराना कि यार इसने ये गलत करा है, तो आप बता रहे हो वहां जाके कि यार ये गलत हुआ ना, तो अक्यूज करना किसी को, इम्प्लीकेट करना, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फंसाना, है ना, उसको दोषी ठहराना, तो इम्प्लीकेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा इम्प्लीकेट, क्योंकि ये शब्द ज्यादा बार आता नहीं है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इम्प्लीकेट क्लियर है। नाउ इंडिजीनियस, इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है, एब ओरिजिनल होना, ठीक है, ओरिजिनेटिंग और अक्वरिंग नेचुरली इन अ पर्टिकुलर प्लेस, स्वदेशी होना। तो यहाँ पे एक शब्द आपने कई बार सुना होगा या रिपीट होता रहता है कि इंडी, एक सेकेंड कहाँ गया, आई गेस, शब्द सुना रहता है आपने कि इंडिजीनियस मिसाइल। इंडिजीनियस मिसाइल का मतलब क्या होता है, वो मिसाइल जो आपके कंट्री में ही बन रहे हैं, आपके देश में ही बन रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिजीनियस। एब ओरिजिनल, ओरिजिनल माने उसी जगह की, एब माने वहीं की, तो कोई चीज़ ओरिजिनल है, ओरिजिनल इन द सेंस जहाँ पे निकलती है वहीं पे बनती है, तो इंडिजीनियस माने कोई चीज़ हमारे देश में ही बनी, स्वदेशी, अच्छा शब्द है। इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब क्या होता है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, नाउन है ये, लैक ऑफ फेयरनेस हो रही है, अनफेयर ट्रीटमेंट आपको करा जा रहा है, अन्याय करा जा रहा है आपके साथ, दोस्त आपके साथ दोयम दर्जे का ट्रीट करा जा रहा है, यू आर ट्रीटेड रॉन्गली इन एनी कॉम्पिटिशन, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे आपके साथ गलत ट्रीट करा जा रहा है, गलत इन द सेंस कि आपको दूसरों से कम अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन करना, इनजस्टिस करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अनदर इज इंटेंस, इंटेंस का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, कोई चीज़ एडजेक्टिव ऑफ एक्सट्रीम फोर्सेस, तीव्र। तो इंटेंस देखिए, इंटेंस फायर भी होता है, या आप लोगों ने सुना होगा कभी स्टेटमेंट यूज होता है, जैसे बहुत गर्मी पड़ती है तो इंटेंस हॉट स्टेटमेंट यूज होता है, तो जिसका मतलब होता है गर्मी भी बहुत तेज पड़ रही है। एक स्टेटमेंट यूज होता है इंटेंस कोल्ड, तो इसका मतलब होता है कि ठंड भी पड़ रही है और वो भी बहुत तेजी से पड़ रही है, तो इंटेंस दैट मीन्स कोई स्ट्रांग स्ट्रांग इंटेंसिटी में कोई चीज हो रही है, तो वो तीव्र हो रही है ना, डिग्री वाइज बहुत तेज हो रही है, उसका मतलब ये होता है। ठीक है, इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब होता है क्लैरिफाई करना, वर्ब है ये, एक्सप्लेन द मीनिंग वर्ड और एक्शन, है ना, व्याख्या करना, बेसिकली आप जो है इंटरप्रेट करो, बोल के बताओ, डिक्टेट कर रहे हो किसी भी स्टेटमेंट की मीनिंग को, क्लैरिफाई कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्रेट का। इंटरप्रेशन यहाँ से वर्ब बनती है, नाउन बनता, सॉरी, इंटरप्रेशन यहाँ से नाउन बनता है। इंट्यूटिव, इंट्यूटिव का मतलब होता है इंस्टिंक्टिव, एडजेक्टिव है इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है कोई भी चीज़ एडजेक्टिव फॉर्म में होना, है ना, यूजिंग और बेस्ड ऑन इंट्यूशन नॉलेज विदाउट द यूज ऑफ रीजनिंग। तो आप रीजनिंग के यूज, यानी कुछ में उसमें सेंस नहीं लग रहा है, रीजनिंग का यूज नहीं हो रहा, उसके बिना बेस पे आप कोई चीज बोल रहे हो, इंस्टिंक्ट से बोल रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्यूटिव। जैसे एक शब्द आपने सुना, एक शब्द क्या, एक फ्रेज सुनी होगी कि मेरी छठी इंद्री चीख चीख के बोल रही, तो दैट छठी इंद्री इज नथिंग बट अ इंट्यूशन, आपको अंदर से कुछ ऐसा फील होने लगता है, वो फील कोई रीजनिंग नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आप स्टैट्स देख के बता रहे हो कि यार ये पहले ऐसा होता रहा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आगे ऐसा होगा, नहीं, जस्ट आपको अंदर से लग रहा है कि यार होना, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्यूटिव। इंस्टिंक्ट आपकी कह रही है कि यार ये चीज ऐसी होनी चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक है, सहज बुद्धि से अनुभव ज्ञानी, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्यूटिव, कि आपको नॉलेज नहीं है, यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड इनफ टू डू समथिंग। ठीक है, जीलियस, जीलियस का मतलब क्या होता, आप एनवाई एनवीएस, इनवीएस हो, इनवीएस का मतलब फीलिंग और शोइंग एनवीए समवन और देयर अचीवमेंट, अचीवमेंट एंड एडवांटेज, है ना, आप ईर्ष्यालु हो, इनवाइस हो, जीलियस हो, तो आपको किसी की तरक्की से प्रॉब्लम हो रही है ना, आपको किसी के प्रोग्रेस से आप जल रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनवीएस। ठीक है, तो जीलियस इज वेरी कॉमन वर्ड, आपको भी पता होगा, इनवीएस कोई दिक्कत नहीं है। कीप, कीप का मतलब क्या होता है, हेल्ड, अपने पास रखना, ये वर्ब और नाउन दोनों फॉर्म में यूज हो जाए, टू होल्ड और रिटेन पजेशन और टू कंटिन्यू इन अ स्पेसिफाइड स्टेट और कंडीशन, तो रखना, बनाए रखना, है ना, अपने पास कोई चीज रखना, भरोसे में रखना, ये सब हो जाएगा कीप का मतलब। तो कीप तो इजी होता, कीप तो ही होता,
लाउजी, लाउजी का मतलब क्या होता है, पिटीफुल एडजेक्टिव है, पिटीफुल का मतलब हो जाएगा खराब स्थिति में, दयनीय स्थिति में, वेरी बैड और डिस्गस्टिंग, आपको उसको देख के दया आ रही है ना, तो लाउजी इज समथिंग दैट इज पिटीफुल। पिटीफुल का मतलब होता है आप वो कोई ऐसी कंडीशन में कि आपको उसको देख के दया आ रही है, वेरी पुअर और बैड डिस्गस्टिंग कंडीशन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाउजी कंडीशन में, बुरी कंडीशन में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लाउजी इंपॉर्टेंट है। अनदर इज परमिट, तो परमिट का मतलब क्या होता है, अप्रूव करना। परमिट तो इजी शब्द है ना, किसी को अलाउ करना कि आप वहां जा सकते हो, अलाउ समवन टू हैपन है ना, एज अ नाउन एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट गिविंग समवन ऑथराइजेशन, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के फॉर्म पे आप किसी को ऑथराइज कर दो, अनुमति दे दो, उसको हम बोलते हैं परमिट करना, किसी को अलाउ करना, यू आर गिविंग परमिशन टू समवन टू डू समथिंग, ठीक है। अप्रूव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, परमिट माने अप्रूव करना, अलाउ करना किसी को परमिशन देना है ना, ये सब हो जाएगा परमिट में। पेटी, पेटी का मतलब क्या होता है, स्मॉल, पेटी स्मॉल, ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, ट्रीवियल तुच्छ, तो लिटिल इंपॉर्टेंट माने आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं उस पर्टिकुलर सिनेरियो में। जैसे हम लोग बोलते रहते हैं कि दिस इज अ वेरी पेटी थिंग, पेटी थिंग माने स्मॉल नॉट इन साइज, स्मॉल इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तुच्छ है वो, है ना, कोई वैल्यू नहीं है उस पर्टिकुलर चीज़ की। प्लाईबल, प्लाईबल का मतलब होता है फ्लेक्सीबल, मेलिएबल, लचीला है ना, ईजिली बेंट, तुरंत मुड़ जाए, ऑल्सो ईजिली इन्फ्लुएंस्ड। अच्छा, ये बहुत अच्छा था, प्लाईबल हम एज अ फिजिकली तो यूज़ करते ही, कोई चीज़ जो तुरंत मुड़ जाए, बेंट हो जाए ईजिली, फ्लेक्सिबल हो, बट कोई व्यक्ति के थॉट्स अगर तुरंत चेंज हो जाए, आपने उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे बताया कि भाई ये वाली बुक अच्छी है, तो उसको अभी ये वाली बुक अच्छी लगने लगी, किसी दूसरे बंदे ने 10 मिनट बाद बताया ये वाली बुक अच्छी, तो उसको वाली बुक अच्छी लगने लगी, तो उस टाइप के व्यक्ति के नेचर को भी हम लोग प्लाइबल बोलेंगे, मेलिएबल बोलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बहुत अच्छा शब्द है, इसको याद रखिएगा। रैपिड, रैपिड का मतलब होता है हास्टी, तेज, हैपनिंग इन अ शॉर्ट टाइम और एट अ तेज, तो कोई चीज़ एक शॉर्ट टाइम में फास्ट पेस में हो जाए, है ना, रैपिड। जैसे हम लोग बोलते हैं रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ, ये स्टेटमेंट यूज करते हैं, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन में रैपिड ग्रोथ, तेजी से ग्रोथ होना, हेस्टी ग्रोथ होना, ठीक है। तो ये अच्छा शब्द है रैपिड, बाकी फ्रिक्वेंटली यूजेंगे, पता होगा रैपिड माने क्या होता है फ्रिक्वेंटली। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, करेक्ट करना, पुट समथिंग राइट, सुधारना, किसी चीज को करेक्ट करना, किसी चीज को सुधारना, पुट समथिंग राइट है ना, किसी को राइट करना, करेक्ट करना, तो ये हो जाएगा पुट समथिंग राइट, तो क्लियर है, आई होप। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई माने सही करना, यहाँ से आर ई दैट इज बेसिकली रूट वर्ड, जिसका मतलब होता है दोबारा करना है ना, कोई चीज दोबारा करना, और दोबारा कोई चीज करोगे आप सही करने के लिए करोगे, तो रेक्टिफाई भी मतलब करेक्ट करना, ऐसे भी यहाँ से रिलेट हो जाएगा, ठीक है, तो करेक्ट करना यहाँ से बन जाएगा। रिलायबल, रिलायबल का मतलब डिपेंडेबल है ना, कंसिस्टेंटली गुड इन क्वांटिटी, क्वालिटी और परफॉर्मेंस, एबल टू बी ट्रस्टेड, ये इंपॉर्टेंट है, विश्वसनीय। तो डिपेंडेबल होना, रिलायबल माने आप पे विश्वास करा जा सके है ना, आप पे डिपेंड हुआ जा सके, और एबल टू बी ट्रस्टेड, आप पे ट्रस्ट करा जा सके। यहाँ से एक रूट वर्ड बनता है क्रेड, क्रेड रूट वर्ड का मतलब होता है ट्रस्ट, तो यहीं से एक शब्द बनता है क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है ट्रस्ट वर्दी, विश्वास योग्य, आप पे विश्वास करा जा सके, ऐसा आपने काम करा, तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिबल। वहीं से एक शब्द बनता है इनक्रेडिबल, विश्वास ना किया जा सके, उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल। वहीं से शब्द बनता है डिपेंडेबल और रिलायबल, सबका मतलब एक ही होता है, ऑल आर सिनोनिमस वर्ड, ठीक है। तो क्लियर है, रिलायबल मतलब डिपेंडेबल। अनदर इज रेमिशन, रेमिशन का मतलब होता है पार्डन, अ टेम्पररी डिमिन्यूशन ऑफ सीवियरिटी ऑफ डिजीज और पेन, माफी या छूट देना। तो देखो रेमिशन, यहाँ से आपने एक शब्द सुना होगा, जब जब किसी बस का या किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनमें सब पैसेंजर जो लोग घायल हो जाते हैं, उनको रेमुनरेशन दिया जाता है। रेमुनरेशन का मतलब ये होता है कि मैं जो बेसिकली उनको नुकसान हो गया है, उसकी भरपाई करना, ठीक है। तो रेमिशन को वहीं से रिलेट कर लीजिए आप, रेमिशन माने माफी देना, छूट देना किसी को, किसी प्रोडक्ट में कोई स्पेशल अगर क्वालिटी उसके पास, या स्पेशल कोई कंडीशन है, तो वहां पर उसको छूट देना, उसको हम लोग बोलते हैं रेमिशन, पार्डन माफी देना, तो बेसिकली लिमिट लगभग सेम ही है, माफी और रेमिशन। रेमिशन को आप माफी के सेंस में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि माफी अगर आप किसी को दे रहे हो, दैट मींस आप उसको कुछ ना कुछ छूट ही तो दे रहे हो, बाकियों को नहीं दिया आपने, उसको माफी दी, तो वो वैसे भी रेमुनरेशन ही तो है, ठीक है। तो रेमिशन इज व्हाट, पार्डन, ठीक है। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्लीड करना है ना, एक्ट ऑफ आस्किंग पोलाइटली और फॉर्मली फॉर समथिंग एज टू वर्क, तो आप किसी से पोलाइटली पूछ रहे हो, फॉर्मली पूछ रहे हो, अनुरोध कर रहे हो, आप विनम्र कर रहे हो उससे ना, निवेदन कर रहे हो, एक शब्द बनता है, रिक्वेस्ट कर रहे हो आप उससे, प्लीज, यहाँ पे प्लीज लगा के नहीं बोलते कि भाई प्लीज ये कर दो,
तो उसको हम लोग बोलते हैं रिक्वेस्ट करना, प्लीड करना, किसी से पोलाइटली पूछना कि यार ये चीज़ मैं क्या आपकी ये चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, तो उसको आप रिक्वेस्ट करते हो, क्या मैं आपकी सीट में बैठ सकता हूँ, इस तरीके से जो आप बोलते हो उसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट करना, पोलाइटली बोलना, ठीक है। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट का मतलब होता है ऑनर, सम्मान देना किसी को, है ना, रिगार्ड देना किसी को, एस्टीम देना, एस्टीम का मतलब भी सम्मान ही होता, ऑनर का मतलब सम्मान होता, रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान होता, आदर का मतलब सम्मान ही होता। तो रेस्पेक्ट माने समझे से स्टेटमेंट बचपन से सुनते आ रहे हैं, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, नहीं बड़ों का सम्मान करो, ऑनर होता है सम्मान, है ना, रिगार्ड होता है सम्मान, एस्टीम होता है सम्मान, ये सब सुने सुनाए शब्द है। तो रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट अच्छा शब्द है, रिवोक, रिट्रैक्ट और रिवोक दोनों का मतलब होता है पीछे हटना, है ना, टू ड्रॉ बैक और विदड्रॉ, टू टेक बैक समथिंग सेड, वापस लेना, पीछे हटना, ना कुछ भी आपने जो बोल रखा है उससे वापस हट जाना। इसको ऐसे भी बोल सकते कि आपने कोई कमिटमेंट करी थी और आप उस कमिटमेंट में पीछे हट गए, है ना, यू आर नॉट बेसिकली जस्टिफाइंग योर वर्ड्स। आपने कमिटमेंट करी थी कि अगर इंडिया जीत जाएगी तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा, ऐसे कुछ कमिटमेंट करी थी, और आप पूरी कर नहीं रहे हो कमिटमेंट, तो यार यू आर रिट्रैक्टिंग फ्रॉम योर कमिटमेंट और फ्रॉम योर वर्ड्स, तो वहाँ पर रिट्रैक्ट शब्द यूज होगा, ठीक है। रिवोक का भी मतलब होता है उल्लंघन करना, उल्लंघन इन द सेंस ऑफ बात, या कोई आपने कमिटमेंट करी थी उसमें उल्लंघन करना, है ना, ब्रीच करना, आपने कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट करा था उसको ब्रीच करना, तो दैट इज रिवोक। तो रिट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिट्रैक्ट को याद रख लीजिएगा, ठीक है। नाउ अनदर इज, अच्छा यहाँ तक हो गए थे, ठीक है। अनदर इज रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और सुन भी रखा हो आप लोगों ने, जैसे रशियन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सब सुन रखे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब क्रांति, जिरेशन, ना क्रांति। अ फोर्सेबल ओवरथ्रो, ओवरथ्रो ऑफ आ गवर्नमेंट और सोशल ऑर्डर इन ऑर्डर टू फेवर ऑफ अ न्यू सिस्टम। तो आप कोई नया सिस्टम स्टेबलाइज करने के लिए वहाँ जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको उखाड़ फेंको, उसके लिए आप मूवमेंट चलाओ, उसके लिए मास कैंपेन चलाओ, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है। स्केप्टिकल, स्केप्टिकल अभी नहीं बोल पा रहा हूँ भाई, स्केप्टिकल का मतलब होता है इनक्रेडुलस। देखिए इनक्रेडिबल अभी मैं डिस्कस कर रहा था पीछे, एक स्लाइड पीछे, कि क्रेड रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ट्रस्ट, फिर वहीं से शब्द बनता है क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब होता है विश्वास योग्य, फिर वहीं से शब्द बनता है इनक्रेडिबल, है ना, आपके जिस पर विश्वास ना किया, जैसे कि वहीं से शब्द बनता है क्रेडिबल, है ना, ट्रस्ट वर्दी, तो ये सब वही रूट वर्ड है भाई। यार एक सेकंड, एक स्लाइड आ गया, 2 स्लाइड आ गया क्या भाई, चलो तो वहीं से शब्द बनता है ये। तो नॉट ईजिली अच्छा हाँ, नॉट ईजिली कन्विंस्ड हैविंग डाउट और रिजर्वेशन। तो कोई चीज़ बहुत आराम से आप उसको कन्विंस्ड नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर डाउट है कि यार क्या ये चीज़ सही है या नहीं, उसको हम बोलते हैं सेप्टिकल, है ना, सेप्टिकल उसी को बोलते हैं कि आपके अंदर डाउट है, संदेह है, यू आर नॉट एबल टू कन्विंस प्रॉपरली, क्यों, क्योंकि कोई चीज़ इनक्रेडुलस है, आप उस पर पूरी तरह से क्रेडिबल नहीं हो, विश्वास योग्य नहीं हो, तो वो हो जाएगा, ठीक है। स्पेसियस, स्पेसियस का मतलब होता है रूम, स्पेस का मतलब भी रूम ही होता है, आप लोग सब नहीं सुनते हो कि यार थोड़ा स्पेस देना, स्पेस देना इन टर्म्स ऑफ व्हाट, स्पेस देना इन टर्म्स ऑफ जगह देना, रूम ही होना, है ना, हैविंग एम्पल स्पेस, है ना, पर्याप्त जगह होना, स्पेस होना, विशाल होना, कोई चीज़ बड़ी होना, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसियस होना, रूम ही होना, ठीक है। सेप्टिकल तो हो ही गया, तो स्पेसियस का मतलब क्या होता है, रूमी होना, कोई चीज़ जिसमें आप जगह दे रहे हो, ठीक है, हैविंग एम्पल स्पेस, विशाल, ठीक है। स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, डिवीजन, ब्रेक और कॉज फोर्सिबली इंटू टू पार्ट्स, इंटू पार्ट्स, टू पार्ट्स नहीं, आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा स्प्लिट ऑफ कांग्रेस हुआ, फिर उसके बाद ये हिस्ट्री में सुना होगा टर्म, यानी कांग्रेस 2 भागों में बटी, अब यहाँ पे फिजिकली नहीं 2 भागों में, क्योंकि कांग्रेस तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, बट कोई चीज़ अगर नॉन फिजिकली भी 2 भागों में बट रही तो वहाँ पे भी हम टर्म यूज़ करते हैं स्प्लिट ही, ठीक है, फिजिकली बट रही तो स्प्लिट करती, तो स्प्लिट अच्छा शब्द है। डिवीज़न, स्वैप, स्वैप का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज करना, कोई चीज़ अदला बदली करना, टेक पार्ट इन एन एक्सचेंजिंग ऑफ एज नाउन एन एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग वन थिंग फॉर अनदर थिंग, तो अदला बदली करना, ठीक है, कोई चीज़ आप एक चीज़ के बदले किसी को दूसरी चीज़ दे देना, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं अदला बदली करना, स्वैप करना, ठीक है। तो अगेन अनदर वर्ड इज 86 में शब्द है टीडीएस, टीडीएस का मतलब होता है बोरिंग होना, है ना, कोई चीज उबाऊ होना, तो आप टू लॉन्ग हो, बहुत लंबी हो गई चीज, स्लो हो गई, डल हो गई, टायर्ड
हम हो गई, थकाने वाली हो गई या मोनोटोनस हो गई, तो उस प्रकार में कोई भी चीज उबाऊ हो जाए ना। मोनोटोनस का शब्द मतलब होता है डल होना, नीरस होना, इंटरेस्टिंग ना रहना, है ना। तो कोई चीज अगर इंटरेस्टिंग नहीं है, उबाऊ है, मोनोटोनस है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टीडियस। टीडियस माने क्या होता है? बोरिंग होना। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। टाइटेनिक, टाइटेनिक का मतलब होता है कोई चीज ह्यूज होना, ऑफ इनॉर्मस साउज होना और स्ट्रेंथ की होना, बहुत बड़ी होना, शक्तिशाली होना, उसको हम लोग बोलते हैं हाई, ह्यूज, टाइटेनिक साइज की होना, बहुत बड़ी साइज की होना। टाइटेनिक बेसिकली जो टाइटेनिक जहाज डूबा था वहां से शब्द निकल के आता है, क्योंकि बड़ा जहाज था वो, तो उस सेंस में हम लोग बोलते हैं टाइटेनिक माने ह्यूज, बड़ा। ठीक है, अनदर शब्द है वेनम। वेनम का मतलब होता है पॉइजन, जहर। ठीक है, तो पॉइजनस फ्लूड है ना, एक्सट्रीम बिटरनेस की है ना, और मेलाइस, तो उसको हम लोग बोलते हैं विष या विषाक्तता। तो वेनम इजीली रिमेम्बर वर्ड है, वेनम को याद रख लीजिएगा। पॉइजन, पॉइजन माने जहर, तो वेनम को रिलेट कर लीजिएगा जहर से, है ना। वेनम का मतलब होता है जहर, तो वेनम इम्पोर्टेंट है, जहर इसका मतलब होता है, डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोई रूट वर्ड वगैरह यहाँ से बनेगा है नहीं विशेष, है ना। मैंने बिठाई है विजिटर। विजिटर का मतलब क्या होता है? टूरिस्ट, जो विजिट करने आए हैं वहाँ पे जगह, वो जगह घूमने आए हैं। पीपल हु केम टू विजिट और स्टे। ब्रीफली, ब्रीफली बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ब्रीफली का मतलब होता है बहुत छोटे समय के लिए, और अगर बोले जाए परमानेंटली, तो परमानेंटली कोई वहां पर रहने आएगा तो उसको बोल देंगे रेजिडेंट, क्योंकि वहां रहने आया। जबकि कोई छोटे समय के लिए घूमने आया तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रीफली, उसको स्टे करने आया वहां पे, विजिट करने आया, परमानेंटली आया तो वहां रेजिडेंट शब्द यूज होता है। तो विजिटर आई होप क्लियर होगा, टूरिस्ट है ना, जो टूर करने आए होते। विवासियस, एनर्जेटिक। विवासियस का मतलब एनर्जेटिक। अच्छा, यहाँ से जो विव है इसका रूट वर्ड होता है, विव का मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ, कोई व्यक्ति होना, इंजॉयबल होना, जीवंतता होना उसके अंदर, है ना। वो लाइफ को इस परस्पेक्ट में ले रहा है कि यार जीवन है, इंजॉय करो, आज है कल है क्या पता नहीं है, तो उसको, उस टाइप के व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं विवासियस आदमी, जो एनर्जेटिक है, फुल ऑफ एनर्जी है, उसके अंदर जीवंतता है। ठीक है, उसके अंदर लाइफ को जीने का एटीट्यूड है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल। अच्छा, वेमेन के लिए मेनली ये वेमेन के लिए भी यूज होता है, जिंदा दिल होना। ठीक है, विवासियस लेडी, व्हाट अ विवासियस लेडी, ये स्टेटमेंट कई बार सुना होगा। अनदर इज वंडरफुल। वंडरफुल तो सुना ही है शब्द, अमेजिंग है ना, कोई चीज बहुत लुभावनी होना, आंखों को आनंद देने वाली, इंस्पायरिंग होना, डिलाइटफुल होना, प्लेजरफुल होना। ठीक है, एक्सट्रीमली गुड होना, ब्यूटीफुल होना। ब्यूटीफुल शब्द हम लोग यूज करते हैं कि कोई चीज बहुत ज्यादा सुंदर होना, है ना, ब्यूटीफुल होना, आंखों को सुंदरता देने वाला होना, देखने में अच्छी लगना, उस सबको हम बोलते हैं वंडरफुल होना, ब्यूटीफुल होना। एक शब्द आगे हमने देखा था डिलाइटफुल होना, प्लीजेंट होना, ब्यूटीफुल होना, ये सब शब्द यहाँ पे अमेजिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो नाउ अनदर स्लाइड। ओके, सो वी हैव डन द 90 सिनोनिम जो आपके एसएससी सीएचएसएल 2024 के एग्जामिनेशन में आए थे। हम लोगों ने पूरे डिस्कस कर लिए, डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद आप श्योर हो गए कि आगे आने वाले दो तीन महीने में जो भी एग्जाम होंगे उसमें जो कम से कम सिनोनिम का पार्ट है वो तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो खत्म करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। दिस इज पीयूष चौबे।